हाय स्टूडेंट्स, यह आपका जेपी सर विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ के परम पावन धाम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम हम मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े हुए समस्त वैज्ञानिकों को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं तथा उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूं। प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता के पावन अवसर पर 23 अगस्त 2023 को हमारा प्यारा भारत देश अपने वैज्ञानिकों के चमत्कारिक तकनीकी ज्ञान के द्वारा विश्व पटल पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारतीय चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इस गौरवशाली पल की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्यारे छात्रों, 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर जब मिशन चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ, उसके पश्चात से प्रतिदिन कुछ नई खोजें हमारी मिशन चंद्रयान 3 के तहत हो रही हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण खोज पता चला है कि चंद्रमा के मिट्टी में के कंपाउंड में से ऑक्सीजन तत्व भी मिला है और इसके साथ ही साथ अन्य बहुत से तत्व मिले हैं, जैसे आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर आदि जैसे महत्वपूर्ण तत्व मिल रहे हैं। किंतु जो ऑक्सीजन मिला है वह मिट्टी के कंपाउंड में मिलने वाला ऑक्सीजन है, न कि जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन है। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे मिशन चंद्रयान 3 का। प्रिय छात्रों, 23 अगस्त 2023 को विश्व के इतिहास में भारत का यह दिन गौरवपूर्ण दिन के रूप में जाना जाएगा। इसके मद्देनज़र हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्यारे साथियों, आइए हम चंद्रयान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है। सर्वप्रथम एक नज़र चंद्रमा पर। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 384,365 किलोमीटर है और चंद्रमा का व्यास 3,474.8 किलोमीटर है। प्रिय छात्रों, आपसे अनुरोध है कि इस महान उपलब्धि के लिए अपने देश के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अवश्य लिखें। प्रिय छात्रों, अगली पॉइंट पर हम फोकस करते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 होता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड समय लगता है। द स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड द सेलेनोलॉजी। हम चंद्रमा के धरातल का 59% भाग देख सकते हैं। सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्षयान चंद्रमा के धरातल पर सन 1966 में सोवियत संघ ने लूना सेकेंड से भेजा था। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। छात्रों, आप जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। सबसे पहले चंद्रमा की धरातल पर उतरने वाला मानव अंतरिक्षयान अपोलो द्वितीय था, जिसे नासा ने 1969 में भेजा था। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग व सर एडविन एल्ड्रिन थे। कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग व सर एल्विन एल्ड्रिन थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरातल पर पैर रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहां से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। छात्रों, प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो छात्रों, आपका जवाब होगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां से आकाश काला दिखाई देता है। छात्रों,
चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? छात्रों, चंद्रमा की धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा पर सबसे ऊंची पर्वत का नाम लिबनिट्ज है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में करता है। लगभग 27 दिन 8 घंटे में। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को सिस लूनर कहा जाता है। छात्रों, जैसा प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है। और चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से प्राप्त होती है? तो चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट, जब एक माह में दो पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है तो इस स्थिति को उपभू पेरिजी कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उस तब क्या कहलाता है? पेरिजी अर्थात उपभू कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होती है तो उसे अपभू कहते हैं, अपोजी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपोजी कहते हैं। और चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, वायुमंडल न होने के कारण। भारतीय मिशन चंद्रयान का अभियान, प्यारे छात्रों, देखते हैं हमारा भारतीय मिशन चंद्रयान कब आरंभ हुआ। भारत का पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को आरंभ हुआ था। इस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन थे। इस मिशन के द्वारा चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण मिले थे। हमने पहली प्रयास में चंद्रमा पर नहीं पहुँचे हैं, हमारा यह तीसरा प्रयास है। भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को शुरू हुआ था, जो असफल रहा। फिर भी चंद्रमा के ऑर्बिट में ऑर्बिटर को छोड़ने में कामयाब रहा, जो कि ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है। इस बार जो भारतीय मिशन चंद्रयान 3 गया है उसमें ऑर्बिटर नहीं है। भारत का तीसरा मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। यह इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, तीसरा वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, किंतु इसमें ऑर्बिट नहीं है। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के द्वारा पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है। आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अगली पॉइंट पर दृष्टि डालते हैं। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:35 पर हुआ था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इसके सॉफ्ट लैंडिंग करते ही भारत ने विश्व में एक इतिहास रच दिया,
भारत के लिए यह दिन गौरवपूर्ण दिन बन गया। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराना था, जिसका भार 3,926 किलोग्राम था। इस चंद्रयान को LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च कराया गया। इस रॉकेट को पहले GSLV-MK 3 के नाम से जाना जाता था। आइए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। LV-M3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, GSLV-MK 3, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगला पॉइंट पर फोकस करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व डॉक्टर ऋतु करिधाल ने किया। इनका जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ है। आप चंद्रयान द्वितीय की निदेशक भी रही हैं। आप पिछले चंद्रयान द्वितीय मिशन के अंतर्गत प्राप्त कमियों को सुधार करके मिशन चंद्रयान 3 में सफलता अर्जित की है। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक कौन हैं? चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक डॉक्टर एस मोहन कुमार हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले चंद्रयान द्वितीय मिशन से असफलता जरूर हासिल की थी, किंतु ये हार नहीं माने थे। जैसा कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अतः हमारे महान वैज्ञानिकों ने इस सुक्ति को चरितार्थ कर दिखलाया। हम अगली पॉइंट है, मिशन चंद्रयान 1 पर कुल लागत 386 करोड़ रुपये आए थे 386, और मिशन चंद्रयान 2 पर 972 करोड़ रुपये आया था, जबकि मिशन चंद्रयान 3 पर 615 करोड़ रुपया आया। मिशन चंद्रयान 3 का थीम था साइंस ऑफ द मून। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। इसमें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, जिसमें कुल 6 पहिए लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस ऐतिहासिक गौरवपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर उत्तर प्रदेश की महिला डॉक्टर ऋतु करधाल को रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया। तो छात्रों, प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कौन? तो डॉक्टर ऋतु करधाल। नेक्स्ट, इस ऐतिहासिक गौरवपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर डॉक्टर के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया। तो छात्रों, अगला प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। मून मैन ऑफ इंडिया, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर माइल सामी अन्ना दुरई। डॉक्टर माइल सामी अन्ना दुरई। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे नवाजा गया? डॉक्टर माइल सामी अन्ना दुरई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो छात्रों, आपने देखा इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का
एक संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट, इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। आपको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। छात्रों, डॉक्टर विक्रम साराभाई 1963 से 1971 तक इसरो के अध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे। भारत के पहले मिशन चंद्रयान प्रथम 2008 के समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर जी माधवन नायर थे। भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान द्वितीय 2019 के समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन थे। भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान 2019 में जब छोड़ा गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन जी थे। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त के दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। अतः छात्रों, यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है कि 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। यह स्टूडेंट्स, लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट्स। मिशन चंद्रयान 3 के द्वारा चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन, आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, कैल्शियम आदि रासायनिक तत्वों का पता लगाया गया है जो चंद्रमा पर जीवन के लिए शुभकारी है। प्रिय छात्रों, अतः हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अतः हम लास्ट में अपने महापुरुषों के द्वारा दिए गए नारों को एक बार संबोधित करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, भारत माता की जय।